कई लोगों का कहना है कि गया जी में पिंडदान आदि कृत्य करने के बाद किसी भी श्राद्ध कर्म की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वे लोग कहते हैं। तो क्या ये पक्ष ठीक है, क्या श्राद्ध करने के बाद किसी भी श्राद्ध को नहीं किया जाए, किया जाए, इस पर आप शास्त्रीय विवेचना करें। देखिए इसका उत्तर, शास्त्रों में गया श्राद्ध की बड़ी महिमा गाई गई है। गया श्राद्ध की बड़ी महिमा जो है पद्म पुराण में, वायु पुराण में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, ये एक ही श्लोक है जो इतने जगह प्राप्त होता है। भगवान वाल्मीकि के कई श्लोकों को व्यास जी ने यों का त्यों लिखा है। पृष्टव्या बहवा पुत्रा यद्ये कोऽपि गयां व्रजेत येत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषं मुत्सृजेत। आगे आएंगे, बहुत पुत्र उत्पन्न करो, उनमें से कोई तो होगा जो एक कम से कम गया श्राद्ध करेगा अपने पितरों का, कोई तो होगा जो अश्वमेध यज्ञ कर सकता है, और कोई तो होगा जो कम से कम पितरों के नाम पर एक नील वृषभ का उत्सर्जन करेगा। पिता के बाद जो वृषोत्सर्ग होता है ना, तो एक सांड को ढील दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है उनके नाम पर, उसको कहते हैं वृषोत्सर्ग। कोई तो होगा एक जो करेगा। वायु पुराण में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति गया श्राद्ध करने के लिए गया में पहुंचते हैं, पितरों के यहाँ बड़ा उत्सव होता है, वो लोग उत्सव मनाते हैं। गया प्राप्तम सुतम दृष्ट्वा पितृणाम उत्सवो भवेत। देखिए श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि पुत्र के ये तीन कर्तव्य हैं, जीवतो वाक्य करणात्, गया है भूरि भोजनात्, गयायाम पिंड दानाच त्रिभी पुत्र से पुत्रता। इसी ये तीन कार्य करता है, इसीलिए उनको पुत्र कहा जाता है। ये न करता है तो वो पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। अपने माता पिता के जब तक जीवित रहे तब तक वाक्यों का पालन करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, और बाद में विधि पूर्वक उनके औध दैहिक कर्म को करे, तथा गया में जाकर के पिंडदान जो करता है वही वास्तव में पुत्र कहलाने योग्य है, ऐसा जो है श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है। तो ये जो है गया की बड़ी महिमा है। कहा गया है कि ये जो है गयाभिगमनम कर्तुम या शक्तो नाभिगच्छति रोचन्त पितरस्तस्य वृथा तेषां परिश्रमः। कहते हैं कि गया में जो जाने में समर्थ है, जा सकता है, वहां कर सकता है, उसके पास इतनी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो नहीं जाता है तो उसके पितर सोचते हैं कि हम लोगों ने वृथा ही परिश्रम किया, इसको पाला पोसा जन्म दिया, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, खेद प्रकट करते हैं। अस्मात् सर्व प्रयत्नेन ब्राह्मणास्तु विशेषतः प्रदद्यात् विधिवत पिंडान गयाम गत्वा समाहितः। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक विधि पूर्वक और प्रयत्न पूर्वक विशेष रूप से ब्राह्मणस्तु विशेषतः ब्राह्मण ब्राह्मणों को गयाम गत्वा गया में जाकर के और समाहित मन से विधिवत पिंडान विधिवत पिंडों का दान करना चाहिए, गया में जाकर के गया श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, जो है शास्त्रों में बतलाया गया गया श्राद्ध की महिमा है। अनंत कुमार संहिता में एक वचन प्राप्त होता है, वे कहते हैं कि ये जो है ये यहाँ मशक्कत है इस श्लोक को सुनकर के, जो है शास्त्रार्थ वाली बात है, सामान्य बात हम जो है बतला देंगे कि क्या उसका सार है, भी इसको सुनिएगा। शिरा कपालम यत्रैतत् कपात ब्रह्मण पुरा त्रैव बदरी क्षेत्रे पिंडम दातुम प्रभु पुमान ओहात गयायाम दद्यात पितरीन पातये स्वकान तवते च ततः शापम नारदई मयोदितम। देखिए
आ गया है कि शिरा कपालम यत्र इतत पपात ब्रह्मण अपुरा। बाद में बहुत पहले की बात है, पुरा माने पहले, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के भी मतलब पांच सिर थे, अभी ब्रह्मा जी के चार सिर हैं। भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, वो ब्रह्मा जी के सामने और विष्णु जी को, ब्रह्मा और विष्णु में ऐसा जो है युद्ध होने लग गया। ब्रह्मा कहें कि हम बड़े हैं और विष्णु कहें कि मैं बड़ा हूँ, दोनों में आपस में युद्ध होने लग गया। ये जो है शिव पुराण की कथा है। तो भगवान शंकर ने वहाँ एक अपना जो है शिवलिंग प्रकट कर दिया कि आप इसकी जो है खोज करिए, जो इसका अंत पालेगा वही बड़ा है। तो उस लिंग की खोज करने के लिए ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठ करके उड़ने लगे, ऊपर गए, और इधर जो है भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके और नीचे जो है जल में प्रविष्ट होने लगे, नीचे तक गए। तो ब्रह्मा जी जो है जा रहे थे, तो लिंग पर बहुत काफ़ी ऊपर जाने पर ब्रह्मा जी को लगा थक गए, अब नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ देखा कि एक केतकी का पुष्प जो चढ़ा हुआ था उसको वो ले आए और आके कहने लगे कि ये शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ था और हम इसको लेकर के आ गए हैं। विष्णु भगवान बहुत देर बाद लौट करके आए, उन्होंने कहा कि भाई हमको अंत नहीं मिला। तो भगवान शंकर ने कहा कि आपने सत्य कहा, आपको आपने झूठ नहीं बोला कि हमने लिंग का जो अंत नहीं देख पाया, यही बात सत्य है, इसलिए तुम ही ज्येष्ठ हो, और ये जो है जो ब्रह्मा जी जो है झूठ बोले हैं इसलिए इनको दंड मिलेगा। अपने अंगुष्ठ के नखाग्र से ब्रह्मा जी का एक जो है सिर छेदन कर दिया जो मध्य में था, और वो जो है बद्रीनाथ क्षेत्र में जा करके गिरा उस। तो और फिर भगवान शंकर पर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता तब से, और ब्रह्मा जी को फिर छोटा बनाना पड़ा क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी के भी अब जो है चार सिर हैं। तो पांचवा सिर जहाँ जो है बद्रीनाथ क्षेत्र में गिरा था उसको ब्रह्म कपाली कहते हैं। तो शिरा कपालम यत्र इतत पपात ब्रह्मणा पुरा। तो पुरा यानी पहले जो ब्रह्मा जी का जो है कपाल यहाँ गिरा था, तत्रैव बदरी क्षेत्र पिंडम दातुम प्रभु पुमान, वहां जाकर के पिंडदान पितरों के लिए करने में जो व्यक्ति समर्थ है और वहां नहीं करता है, मोहात गयायाम दद्यात यह सा पितृन पातये स्वकान। और मोह बस यानी अज्ञान बस वो केवल गया में जाकर के पिंडदान कर देता है, तो उसको पितर लोग जो है उसके पितर लोग जो है उनका पतन हो जाता है, पितर लोग गिर जाते हैं और वो पितरों का शाप प्राप्त करता है। लभते च तथा शापम। तो ये जो है ऋषियों का, नारदादि ऋषियों का ये मत है कि इस तरीके से वो जो है शाप प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य कि जो लोग बद्रीनाथ क्षेत्र में पिंडदान करने में समर्थ हैं वे लोग वहां न करके बद्रीनाथ और जो गया में ही पिंडदान कर देते हैं तो ये जो है ठीक नहीं है, वो उससे उनकी पितर जो है रुष्ट हो जाते हैं। तो अब इससे क्या हुआ इस पर देखिए, इसका मतलब है कि गया में पिंडदान नहीं करे क्या? को इस पर ये जो है विचार किया गया है कि इसमें गया श्राद्ध की निंदा नहीं है, इसमें केवल बद्रीनाथ क्षेत्र में भी पिंडदान करे ये विधि है, क्योंकि ये निंदा नहीं है। इस तरीके से कहीं भी शास्त्र में किसी को नीचा दिखा करके किसी को ऊंचा दिखाया गया है तो वो जिसको नीचा सा दिखाया जा रहा है वो उसकी निंदा नहीं है, वो केवल इसकी बड़ाई है, ऐसा न्याय है। नई निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। ये तो विधेय जिसका विधान किया जा रहा है वो स्तुति में है, वो नई निंदा या निंदा जो है निंदार्थ में नहीं है, उसकी निंदा नहीं की जा रही है, ये तो जिसका विधान किया जा रहा है, जिसका उत्कर्ष किया जा रहा है, जिसकी महिमा गाई जा रही है उसकी महिमा में ही उसको मानना चाहिए। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि पहले जो है गया में जो है पिंडदान करे और उसके बाद ब्रह्म कपाली में पिंडदान करे, ब्रह्म कपाली करने के बाद गया में पिंडदान नहीं करे। तो इसका मतलब गया में जो पिंडदान करके आते हैं उनको फिर हरिद्वार क्षेत्र में पिंडदान करना चाहिए, और हरिद्वार में पिंडदान करने के बाद फिर जो है वो जा करके
ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ क्षेत्र में अपने पितरों के निमित्त विधिवत पिंडदान करें। ध्यान देना जी, मैं सार बतला रहा हूँ। और गया, गया के बाद बद्रीनाथ, जो है हरिद्वार, हरिद्वार के बाद बद्रीनाथ क्षेत्र में, और बद्रीनाथ क्षेत्र में पिंडदान करने के बाद फिर वो पिंडदानात्मक श्राद्ध नहीं करे, क्योंकि यहाँ केवल पिंडदान के लिए कहा गया है कि पिंडम दातुम, केवल पिंडम दातुम, पिंडदानात्मक फिर श्राद्ध नहीं करे। बाकी का ब्राह्मण भोजनात्मक तो करे ही, अपने माता पिता के जो है क्षयातिथि पर अमत्सर के कोई को दृष्टि श्राद्ध करे और महालय श्राद्ध करे, चाहे पाक्षिक महालय या जो है सकरण महालय, जरूर ये श्राद्ध तो करना चाहिए, परंतु उन श्राद्धों में ब्राह्मण भोजनात्मक ही करे, पिंडदान देने की आवश्यकता नहीं है। कब नहीं है? जब गया, हरिद्वार और बद्रीनाथ तीनों जगह पे वो श्राद्ध कर ले, तब। केवल गया दान के बाद, केवल गया पिंडदान के बाद कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि वो श्राद्ध नहीं करे। अर्थात गया श्राद्ध करने के बाद तो, केवल गया श्राद्ध करने के बाद तो व्यक्ति समस्त श्राद्धों को पिंड दानात्मक भी करे, कहीं भी निषेध नहीं है। तो गया का महात्म्य है कि गया जाने के बाद पितरों की अक्षत तृप्ति होती है, वे प्रसन्न होते हैं और वे जो है अपना वरदहस्त रखते हैं, कृपा करते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि फिर गया करे आए तो फिर वो पिंडदान करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ब्राह्मण भोजन कराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो है ये गलत है। हाँ, कुछ मोहवशात तीर्थों में कुछ लोग वहाँ के जो है तीर्थ पुरोहित हैं, वो अनपढ़ तीर्थ पुरोहित, सब लोग नहीं, वो वहाँ कुछ विज्ञ भी लोग हैं, अनपढ़ जो तीर्थ पुरोहित हैं उन लोगों के द्वारा ऐसा कह दिया जाता है कि अब आपको कुछ भी कराने की आवश्यकता नहीं है। ये उनका भ्रम है, या आपको जो है भ्रम हो जाता है, भ्रम में डालने वाली बात है। शास्त्र की बात मुख्य ये है, गया श्राद्ध के बाद भी समस्त श्राद्धों में पिंडदानात्मक श्राद्ध किया जा सकता है, करना चाहिए, इसमें कोई भी दोष नहीं है। केवल गया श्राद्ध, गया श्राद्ध के बाद बद्री जो है हरिद्वार क्षेत्र में श्राद्ध, और इसके बाद बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के बाद उस व्यक्ति को केवल, जिसने ये तीनों श्राद्ध करे हैं उस व्यक्ति को केवल पिंड दानात्मक करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पुत्रों को, भाई वर्गों को और लोगों को, और भी परिवार के लोगों को वो कोई निषेध नहीं है, वो पिंड दानात्मक भी श्राद्ध करें। ये सभी विद्वानों का, समस्त आचार्यों का और ऋषि महर्षियों के द्वारा प्रतिपादित ग्रंथों का, शद ग्रंथों का और पुराणों का जो है पद्धतिकारों का यही मत है। हर हर महादेव।